इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री धनेन्द्र जैन धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन समस्त परिवार, दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5, नोएडा, उत्तर प्रदेश, श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन, मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार, दिल्ली। हम प्रीति मात्र कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं राग द्वेष लगा हुआ है, लेकिन अब यहाँ राग और द्वेष के अंतर्गत दो प्रकार की स्थितियां बनती है। राग द्वेष तो एक ही प्रकार का होता है, लेकिन राग दो प्रकार का होता है, एक शुभ राग होता है, एक अशुभ राग होता है। जैसे आप यहां मंदिर में आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, दान करते हैं, यहां बैठ करके आप जिन वाणी सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, कुछ नहीं सुन रहे हैं, राग के वशीभूत होकर के सुन रहे हैं। किसके वशीभूत? राग के वशीभूत होकर के सुन रहे हैं। अगर राग ना हो, प्रेम ना हो, तो यहां बैठ करके सुन नहीं सकते, चले जाएंगे। दूसरी परिस्थिति ऐसी भी हो सकती है कि हमारे पास प्रेम तो है, राग तो है, लेकिन टाइम नहीं है, क्या करें। वही टाइम हमारी ड्यूटी जाने का है, वही टाइम इसका है, इसलिए हम नहीं सुन पा रहे, लेकिन उसके प्रति एक आस्था है, समर्पण भाव है, ये तो है। तो इसलिए कहा कि ऐसा वह जहां समर्पण भाव रहता है, तब का इसी स्थिति स्वाभाविक नेचुरल चलती है। तो ये भी एक राग है। और कोई कहे कि राग द्वेष से निवृत्ति के लिए तो चार तंगिका के, तो ये भी छोड़ो फिर का, इसको छोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि ये शुभ राग है। क्या है? शुभ राग। और शुभ राग का हमारी आगामी गति को प्रशस्त बनाता है, अच्छी बनाता है, श्रेष्ठ गति को देता है, इसलिए इसको छोड़ा नहीं जाता है, ये तो नेचुरल चलता रहेगा। जैसे सूर्य जब उदय होता है तो उसके पहले भी एक लालिमा होती है, कहां होती है? पूर्व दिशा में। सूर्य उदय होने के पहले उस पूर्व दिशा में थोड़ा सा पहले लाल वातावरण बनता है, और लालिमा राग की प्रतीक होती है। और जिस समय सूर्य अस्त हो जाता है, उस समय भी एक लालिमा होती है, और दोनों लालिमाएं कुछ बतलाती हैं। लालिमा क्यों होती है? क्योंकि सूर्य का जैसा प्रकाश, उसके चले जाने के बाद थोड़ी दूर तक उसकी आभा रहती है, कांति रहती है, चमक रहती है। जैसे अग्नि जलती है, तो अग्नि तो वास्तव में लकड़ी के सहारे जल रही है या गैस के सहारे जल रही है, लेकिन उसकी जो लौ उठती है वह ऊपर तक उठती है और लाल होती है। तो ऐसे का सूर्य की जो आभा है वह लाल प्रतीत होती है। तो जब वह सूर्य अस्त हो जाता है या उदय होने के पहले की स्थिति होती है, तो दोनों समयों में एक लालिमा होती है। तो जिस समय सूर्य का उदय हो रहा है, तो उदय की वह लालिमा होती है और अस्त की भी लालिमा होती है, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर होता है। दोनों का उद्देश्य अलग अलग है, दोनों का संदेश अलग अलग है। जो प्रातः काल की लालिमा है, उसका संदेश क्या है? उसका संदेश है कि अब सूर्य का उदय होने वाला है, मतलब संपूर्ण धरा पर प्रकाश आने वाला है। और जो संध्या की लालिमा है, वो बतलाती है कि अब सूर्य का अस्त हो चुका है, अब संपूर्ण धरा पर अंधकार आने वाला है। ऐसा दोनों का अपना अपना संदेश अलग अलग होता है।
ऐसी हमारे अंदर भी का प्रातः काल की यह लालिमा हमें संदेश देती है कि अब प्रातः काल की लालिमा के जैसा धर्मानुराग होता है, वह हमें संदेश देता है कि अब तुम्हारे जीवन में प्रकाश आने वाला है, क्योंकि जो देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारी भक्ति है, दया भाव है, करुणा भाव है, ये बतलाता है कि तुम्हारे अंदर वह सम्यक का प्रकाश आने वाला है। और का जो उसके राग के वशीभूत हम यहां आते हैं, तो वह बतलाता है कि तुम्हारी गति में अब अच्छी प्रशस्त गति होने वाली है, अच्छी गति होने वाली है, ये यहां पर बतलाया जा रहा है। तो इस तरह इन दोनों की स्थिति को यहां बताया जा रहा है। और जो संध्या काल की लालिमा है, वह बतलाती है कि तुम्हारे जीवन में अब अंधकार आने वाला है। जैसे लालिमा वह सूर्य अस्त हो जाने की बात होती है, वह कहती है कि इस धरा पर अंधकार आने वाला है, वैसे यहां पर भी अब अंधकार आने वाला है। तो उस अंधकार को वह बतलाती है। तो का जो हमारे अंदर विषयानुराग है, वह बतलाता है कि अब हमारे जीवन में भी अंधकार मतलब गति अच्छी होने वाली नहीं है, इसलिए उसको का इससे हम निवृत्त होते हैं और इसमें प्रवृत्त होते हैं। का उसकी परिभाषा के अंतर्गत भी यही बतलाया जाता है कि असुहा दो भिन्न भक्ति सुहे प्रवृत्ति जान चारित्रम, का कि अशुभ से निवृत्ति और सोने प्रवृत्ति का नाम ही चारित्र है। का वह अशुभ से हमारी निवृत्ति हो जाए और सोने प्रवृत्ति हो जाए, उसका नाम चारित्र होता है। तो इस तरह वह चारित्र दोनों प्रकार से बताया गया कि हम अशुभ से निवृत्त हों और शुभ में प्रवृत्त हों, यही एक दायरा बांधा जाता है कि हम अशुभ से दूर हुए और शुभ की प्रवृत्ति में आ गए। तो इस तरह का हम अशुभ से निवृत्त होकर के शुभ की ओर बढ़ते हैं, और जब शुभ की ओर बढ़ते हैं तो परिणामों में विशुद्धि बढ़ती है, और जब शुभ की ओर बढ़ते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्या कि हम बहुत सारी जो हमने अपने ऊपर जवाबदारियां ले रखी हैं, क्या रखी हैं, मुझे ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना है ना, इनको भी देखना, तो उन जवाबदारियों का हम विभाजन कर देते हैं, बंटवारा कर देते हैं, या उनका स्वामित्व ही छोड़ देते हैं कि आज से ये काम अब आपका है, हमारा नहीं है, है ना, हम सबसे निर्वृत्त है ना, उनसे हमारा कोई लेन देन नहीं है। और ये प्रक्रिया बहुत करना बहुत जरूरी भी है, बस हमें जितनी आवश्यकता है उतना हमने अपना कार्य कर लिया, इसके बाद तुम जानो तुम्हारा काम जानो, हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं, कोई लेन देन नहीं, तुम तो ये सारा कार्य अब तुमको किस तरीके से करना है, हाँ तुम हमसे पूछने आओगे तब हम उसको बता सकते, और नहीं पूछने आओगे तो हमें कोई लेन देन, तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा कर लो, और वह भी सलाह ऐसी देना होगी कि एकदम लगावपूर्ण ढंग से नहीं, बल्कि जैसे हम किसी पड़ोसी को सलाह देते हैं, बस वैसा कार्य कर दिया और अपना कार्य दूर हट गया। तो चलिए का यही दायरा हम इतनी मर्यादा के अंदर बांध लेते हैं कि हम इन सबसे दूर हो जाएं, निर्वृत्त हो जाएं, और अपने कार्य से दूर हट करके का हम सारे विकल्पों से मुक्त की, भाई अब तुम जानो तुम्हें कैसे करना, क्या करना है ना, सारे वो विकल्प, जब तक हमारी सामर्थ्य तब तक हमने बहुत विकल्प कर लिए,
अब उन सब कार्यों को जो हमने कर लिए हैं उनको ही और कम करना, उनकी स्थिति अनुभाग को कम करना है, अपने दायरे को सीमित करना है। और हम अब बिल्कुल इतना ही काम करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, हमारी आवश्यकता इतनी है। और जो हम अपनी मन की इस वृत्ति को रोकते हैं, क्या इस मन की वृत्ति को रोकना ये हमारे लिए का सदगति को देने वाला है, ये दूसरा सदगति का कोई उपाय नहीं। और हम अपने मन की वृत्ति को जितना बढ़ाए रखेंगे, चलायमान रखेंगे, उतने राग द्वेष की प्रणति में चलते रहेंगे और फिर हम उससे का निवृत्त नहीं हो पाएंगे। और जब निवृत्त नहीं हो पाएंगे तो फिर का हम समाधिस्थ नहीं हो पाएंगे। समाधि का मतलब ये नहीं होता है कि जब बिस्तर पर लेट गए पड़े हैं तब उसका नाम समाधि है, नहीं। जिस समय हमारे अंतरंग में राग द्वेष कम हो रहे हैं, बाहर के विकल्प कम हो रहे हैं और का बाहर के विकल्पों के साथ में का जितना हमारा मन शांत हो रहा है, बस उसी का नाम तो समाधि है, समता भाव है। और उन्हीं समता भाव के लिए ही इस चारित्र को अंगीकार किया जाता है। तो इस तरह हम अपने उस चारित्र को अपने अंतरंग में अंगीकार करें और उन विकल्पों को कम से कम करने का पुरुषार्थ करें। और जीवन में का भले थोड़ा हो, ज्यादा ना हो, थोड़ा हो, लेकिन चारित्र नियम होना अनिवार्य होता है। तो इस तरह का भले हम कम से कम कर पाए लेकिन करना अवश्य चाहिए कि एक नियम भी कितना, एक नियम भी, एक छोटा सा नियम भी का वह भी व्यक्ति को क्या, इस प्राणी को, मनुष्य को नहीं, त्रियंचों को भी स्वर्ग भेजा देता है। श्याल ने कौन सा नियम लिया था, मैं मात्र रात्रि में भोजन नहीं करूंगा, क्या नियम लिया था, रात्रि में भोजन नहीं करूंगा, बस एक नियम था उसका। और क्या किया उसने कि एक ही नियम था और उसके लिए गर्मी के दिन थे, प्यास लगी, पानी पीने के लिए बावड़ी में उतरा। जब बावड़ी में उतरा तो देखा कि नीचे अंधकार है, क्या है, अंधकार है। तो ऊपर आ गया, बोले अंधकार है मतलब रात्रि हो गई। ऊपर आया देखा अभी तो दिन है, फिर नीचे गया तो देखा फिर अंधकार है। आश्चर्य की बात है कि एक श्याल त्रियंच प्राणी, उसको ये ज्ञात है कि रात्रि भोजन के त्याग का अर्थ क्या होता है कि अंधकार में भी कोई वस्तु नहीं करना। इसलिए अहिंसा व्रत की एक भावना है, आलोकित पान भोजनानि, क्या है, क्या भावना है, आलोकित पान भोजनानि। उस आलोकित पान का अर्थ क्या होता है कि सूर्य आलोक कहते हैं सूर्य को, कि सूर्य के प्रकाश में भोजन और पान मतलब पानी पेय पदार्थ का सेवन करना, ये इससे अहिंसा धर्म का पालन होता है। तो उसने चूंकि रात्रि भोजन का त्याग किया तो कहा अंधकार में ये सब नहीं करूंगा, क्या नहीं करूंगा, हाँ, ना भोजन ना पान। और आज शहरों में, दिल्ली में तो ऐसे घर ही बनते हैं कि जहां बिना लाइट के काम ही नहीं, अंधकार ही अंधकार है, है ना। इस जिंदगी में भी अंधकार है और आगे आने वाली जिंदगी में भी अंधकार है। सूर्य का प्रकाश तो फिर घर में देखने को ना मिले, तो का अंधकार तो हमेशा से। अगर आप घर भी बनाते हैं तो ऐसा बनाना चाहिए कि घर में सूर्य का प्रकाश तो आए, उसमें उजाला तो आए कम से कम, ओ ये तो होना चाहिए।
अब ऐसा बंद बना लिया डिब्बा जैसा है ना, तो का सूर्य का प्रकाश ही जब आना बंद हो जाएगा, बाहर की हवा आना बंद हो जाएगी, तो फिर का जीवन में अंधकार तो है ही। तो हमें अपने जीवन में कहा उस अहिंसा धर्म का पालन करना है, तो आलोकित भोजनानी पंच के अंतर्गत का इस कार्य से अब का रात्रि भोजन त्याग क्यों किया जाता है, क्योंकि हमें इस शरीर से भी राग कम करना है। भूख तो लगती है, खाना तो है, लेकिन उस समय भी का उसको हम कम कर देते हैं, छोड़ देते हैं, मर्यादा बांध लेते हैं कि दिन दिन में ही खाएंगे, रात में नहीं खाएंगे। तो इसलिए का वह कार्य के उस स्याल ने रात्रि में अंधकार होने पर उसको पानी नहीं पिया, उसने कहा अंधकार है नहीं पिएंगे, तो वह मर करके और स्वर्ग चला गया। क्या मर्यादा बांधी उसने कि रात्रि में एक टाइम की मर्यादा बांधी, समय की मर्यादा। तो उसने का इसीलिए राग द्वेष की निवृत्ति इसके लिए होती है कि हम एक अपना एक दायरा बनाते हैं, मर्यादा बांधते हैं, जिससे कि हम अपनी मर्यादा बांध लेंगे तो हम इस विकल्प में ज्यादा नहीं पड़े रहेंगे, इस विकल्प को दूर करने का ये उपाय हो जाएगा, और इससे यह लोक में भी शांति और परलोक भी सुधर जाएगा। तो इसके लिए ये मर्यादाएं बांधी जाती हैं। तो इस तरह कि हम बाकी समय जो हमारे पास रहेगा हम सारे कार्यों से निवृत्त हो जाएंगे, तो भाई चलो रात्रि का चार घंटे का पांच घंटे का जितना समय रहा उसमें कुछ भगवान का नाम ले पाएंगे, जब मंत्र जाप आदि कर पाएंगे, इसके लिए ये सब कार्य किया जाता है। तो इस तरह राग द्वेष निवृत्ति, कहा कि साधु जन सज्जन पुरुष राग द्वेष की निवृत्ति के लिए इस नियम संयम चारित्र को अंगीकार करते हैं। बोलिए देवाधिदेव हजार से आदिनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री धनेन्द्र जैन, धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन समस्त परिवार, दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5, नोएडा, उत्तर प्रदेश, श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन, मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार, दिल्ली।